आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच नमक और यहाँ पे मैं एक चीज़ डाल रही हूँ जो कि है क्रीम जो कि एक बड़ा चम्मच है वो मैंने क्यों डाली वो मैं बाद में आपको बताऊंगी पर यहाँ पे हम एक बड़ा चम्मच क्रीम का जरूर डालेंगे अगर अवेलेबल है तो जरूर डालिए और उसके बाद हमने यहाँ पर ले ली है दही जो कि मैं डालूंगी चार बड़े चम्मच सॉरी पांच बड़े चम्मच आधा किलो चिकन है तो ऑलमोस्ट पांच बड़े चम्मच में ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा सो so, अब इन सारी चीजों को हाथों से हम मिक्स कर लेते हैं आप देख पा रहे होंगे मैंने इन्हें कढ़ाई में ही ले लिया है क्योंकि उसका रीजन है मुझे इन्हें कढ़ाई में ही पकाना है तो दो दो बाउल हमें यूज करने पड़ते हैं इसकी वजह से मैंने डायरेक्टली इन्हें कढ़ाई में ही ले लिया है आधे घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगे ये देखिए मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और आधा घंटा मैंने छोड़ दूंगी सो so, अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं आप चाहे तो इनमें फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं बट इस रेसिपी में इसकी नीड नहीं है इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया है अब मैं इसे आधा घंटा या तो फ्रिज में रख दीजिए या तो ऐसे ही रख दीजिए अब जब आधे घंटे के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे मैरिनेशन का प्रोसेस प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद मैंने गैस पर रख दूंगी देखिए ये कढ़ाई में ही हमने इसे मैरिनेट किया था तो अब हम सीधा सीधा कढ़ाई को ही गैस पर रख देंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे पकाएंगे इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है तो दही पानी में ही कन्वर्ट हो जाता है बाद में दही अपना पानी छोड़ने लग जाता है तो उसी दही के पानी में ही हमें इस चिकन को पकाना है सो आप गैस के फ्लेम को मीडियम रखिए और इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे सो ये देखिए गैस के फ्लेम को मैं मीडियम रख रही हूं और हम इसे पकाएंगे आप इसे कवर कर लीजिए ताकि ये जल्दी से पक पाए तो so, ये देखिए मैं इसे कवर करके पका रही हूं और बीच बीच में चलाते जरूर रहिएगा तो so, ये देखिए गैस में रखा है हमने इसे और इसका पानी जो धीरे दीर धीरे वो रिलीज होता जा रहा है और ये देखिए अब लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी इसमें रह गया है पूरी तरह से हमारा जो चिकन है वो पक चुका है तो अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो सारा चिकन हमने बनाया है ये हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे इस प्रोसेस में होने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने चिकन के पीसेस काफी छोटे छोटे ही लिए हैं और ये जो बाकी कढ़ाई में ग्रेवी बची है हम उसमें पानी डालेंगे और उसका बाद में इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हमने जो चिकन निकाला है आप चाहें तो वैसे चिकन का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैंने एक चिमटे की हेल्प ली है और चिकन के पीसेस को इस तरह से हम भून रहे हैं इस तरह से जब आप चिकन को बनाएंगे तो सर्दियों में चिकन खाने का मजा ही कुछ और हो जाएगा चिकन में जो भुनने वाला टेस्ट आ जाएगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा पहले हमने हमने चिकन चिकन को को पकाया उसके बाद हम भून रहे हैं अब आपको याद होगा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच क्रीम का डाला है क्रीम का डालने से क्या होगा जब आप इसे भुनेंगे ना तो इसके ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स है ना वो बहुत जल्दी आएंगे और काफी अच्छी तरह से ये भुन जाएगा आधे ही मिनट में एक एक दो दो पीस अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाएंगे सो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूं कितने अच्छे से इसे स्पॉट आ चुके हैं स्मोकी फ्लेवर जिसे कहता है ना वो स्मोकी फ्लेवर इस तरह से करने से हमारे चिकन में आ जाएगा तो अभी जितने भी चिकन के पीसेस मैंने लिए हैं उन सभी को मैं इस तरह से भून लेती हूँ वैसे ये प्रोसेस बिल्कुल ऑप्शनल है पर अगर आप करेंगे तो आपके चिकन बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाएगा तो कोशिश कीजिए कि आप इस प्रोसेस को जरूर करें तो इस तरह से मैंने सभी चिकन के पीसेस को हल्का हल्का सा ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने तक उसे भून लिया है तो अब हम चलते हैं अपनी ग्रेवी की ओर तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है रिफाइंड ऑयल साथ ही यहाँ पर मैंने दो मीडियम प्याज को पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है बिल्कुल मिक्सी में पीस के दो मीडियम साइज टमाटरों को लहसुन और हरी मिर्च तीनों को मैंने इस तरह पेस्ट में कन्वर्ट किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले, ले लेंगे हम यहां पर और कुछ सूखे मसाले ले लेंगे पानी ले लेंगे और ये देखिए सूखे मसालों में लेंगे लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर धनिया पाउडर नमक और थोड़ा सा मैंने यहां पर ले लिया है चिकन मसाला आप चाहें तो गरम मसाला भी ले सकते हैं सो अब ग्रेवी की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया जैसे ही हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा हमने जो प्याज ले लिए थे जिन्हें हमने मिक्सी में पीसा है हमने वो इसमें डाल दिए आप चाहें तो जब आप चिकन बनाते हैं तो जो होल स्पाइसेस होते हैं जो खड़े मसाले होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट लास्ट में हम यहाँ पे चिकन मसाला यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर होल स्पाइसेस का यूज नहीं किया है क्योंकि चिकन मसाला में ऑलरेडी काफी सारे होल स्पाइसेस होते ही हैं सो so, अब चलते हैं हम अपने प्याजों को पकाएंगे ये देखिए प्याज को मैंने तब तक पकाया है जब तक प्याज का जो कलर है वो लाइटिश गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अब इसका कलर अच्छी तरह से ये देखिए शाइनी गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हमने जो टमाटर की प्योरे बना ली थी टमाटर की प्योरे में हमने दो से तीन हरी मिर्च भी डाली थी थोड़े लहसुन भी डाले थे और दो मीडियम साइज के टमाटर भी डाले थे उसे मिक्सी में पीस लिया था वो प्योरे तैयार थी हमारी तो वो अब प्योरे हम इसमें डाल देंगे जब हमारे प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन और टमाटर की ऐड करेंगे अच्छी तरह से भून पाए तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ध्यान रखिएगा हमने चिकन में भी स्टार्टिंग में नमक और लाल मिर्च पाउडर ये सब डाला था तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप कम ही डालिएगा ग्रेवी में अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और उसके बाद ये चिकन की रेसिपी है थोड़ी चटपटी होनी चाहिए तो एक छोटा चम्मच मैं इसमें डालूंगी चिकन मसाला का आप डाल रहे हैं तो गरम मसाला का डाल सकते हैं एक छोटा चम्मच अब इन सारी चीजों को मिलाएंगे अब हमें इन्हें भुनना है भुनने का तरीका ये होगा अब आप देखिए जब आप इस टोमेटो की प्योरे को मिक्स कर रहे हैं तो ये अच्छी तरह से टर्न हो रही है मतलब इसमें काफी ज्यादा पानी है तो हम इसे पांच से सात मिनट तक लगातार चलाते हुए भुनेंगे इसे हमें तब तक भुनना है जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए सो ये देखिए मैंने इसे काफी अच्छी तरह से भून लिया है आप इसका कलर भी देख पा रहे होंगे बदल चुका है और बहुत अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुकी है अब उसके बाद आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में जो कढ़ाई में थोड़ा सा चिकन का मसाला बच गया था हम उसी में पानी डाल देंगे जो हमने आधा ग्लास पानी ले लिया था और वो पानी हम इसमें ग्रेवी में ऐड कर लेंगे उससे क्या होगा इस ग्रेवी में थोड़ा दही का फ्लेवर भी आ जाएगा चिकन का फ्लेवर भी सभी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा और एक्स्ट्रा पानी हमें यूज भी नहीं करना पड़ेगा सो यहाँ पर मैंने आधा छोटा ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है आप पानी की रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से आप किस तरह से ग्रेवी पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा अब इस ग्रेवी में हम एक बार उबाल आने देंगे गैस का फ्लेम आप यहां पर मीडियम रख सकते हैं तो जब आप देखें कि ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आने लग गया है दोनों चीजें जो हमने सूखा मसाला पहले बनाया था और उसके बाद जो पानी डाला था जब वो अच्छी तरह से रच जाएंगे अच्छी तरह से मिल जाएंगे उसके बाद हम इसमें चिकन का यूज करेंगे आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी को चख लीजिएगा अगर किसी मसाले की आपको कमी या ज्यादा लगे तो मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा बस यहाँ पे हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी तरह से उबल रही है मैं इसको थोड़ा सा मसाले टाइप ही रखूंगी चिकन मसाला टाइप ही रखूंगी इसलिए मैं इसमें और पानी ऐड नहीं कर रही अब बस इस ग्रेवी को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी हमने जो चिकन भुन कर तैयार किए थे वो सारे चिकन पीसेस मैं इसमें ऐड कर लूंगी भुने हुए चिकन का आप स्वाद देखिएगा बहुत अलग ही लगता है और बहुत टेस्टी सा लगता है सो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं देखिए फ्रेंड्स जो हमारा चिकन था हमने उस चिकन को पहले ही बहुत अच्छी तरह से पका लिया है भून लिया है तो अब हमें चिकन को पकाना नहीं है पर फिर भी जो ग्रेवी का टेस्ट है वो चिकन में आना चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे कवर कर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर सात से आठ मिनट तक छोड़ देंगे ताकि जो ग्रेवी है वो चिकन को अच्छी तरह से लग जाए कम से कम सात से आठ मिनट फिर सात से आठ मिनट बाद आप ढक्कन हटाएंगे तो देखिए तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है मतलब ये अच्छी तरह से हमारा चिकन रेडी हो चुका है अब बस हम इसमें बारीक हरा धनिया काटेंगे और डाल देंगे और उसके बाद हमारा चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल गर्मा गर्म गर रेडी है आप इसे इस तरह से एक बार जरूर बनाइएगा ये आपको बहुत पसंद आएगा तो देखा आप सभी ने हमने बहुत सिंपल वे से और बहुत घर में ही अवेलेबल चीजों से इसे बनाकर तैयार किया है आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी तब तक के लिए बाय